नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमिता तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। बहुत सारी महिलाओं को जब पीरियड आता है तो उस समय दर्द होता है। किसी किसी महिला को यह दर्द कम होता है, किसी को बहुत ही ज़्यादा। कई महिलाओं को यह दर्द इतना होता है कि उनको अपने काम करने में परेशानी होती है और कभी कभी तो ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेनफुल पीरियड, जिसको कि हम अपने मेडिकल टर्म में डिसमेनोरिया बोलते हैं, वो कितना कॉमन है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, और अगर किसी महिला को पीरियड के समय पेन हो रहा है तो वह कैसे जाने कि यह पेन जो है वो नॉर्मल है या किसी बीमारी के कारण हो रहा है। तो इस मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। जब किसी महिला को पीरियड के समय पेन होता है और इसके पीछे कोई कारण नहीं होता है, नॉर्मल होता है, तो इसको हम प्राइमरी डिसमेनोरिया बोलते हैं। और जब यह पेन किसी बीमारी से जुड़ा होता है तो इसको हम सेकेंडरी डिसमेनोरिया बोलते हैं। इसमें मुख्यतः बीमारियां क्या क्या होती हैं, फाइब्रॉइड हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, मतलब कि बच्चेदानी में गांठ का बनना। एक और बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, उसकी वजह से हो सकता है, और किसी किसी महिला में जननांगों के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। पीरियड के समय दर्द होना यह बहुत ही कॉमन है। 60-90% महिलाओं में यह दर्द देखा जाता है, जिसमें से सिर्फ 15% महिलाओं को मेडिकल एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ती है। यह दर्द क्यों होता है? जब महावारी चक्र ख़त्म होने लगता है, यानी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो हमारे बच्चेदानी में एक केमिकल बनता है जिसको कि हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, उसकी वजह से बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि बच्चेदानी की झिल्ली और ब्लड बाहर आ सके। इस केमिकल की वजह से, इस प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से किसी किसी महिला में महीना आते समय उल्टी जैसा होना, उल्टी होना, लैटरिन पतला होना, और सर में दर्द होना, घबराहट होना, थोड़ा बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम होना, यह सब भी देखा गया है। मैंने बताया कि पीरियड के समय दर्द होना बहुत ही कॉमन है, तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि अगर हमें पीरियड के समय दर्द हो रहा है तो ये नॉर्मल है या किसी बीमारी की वजह से? तो चलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाती हूँ। अगर यह दर्द नॉर्मल है, मतलब कि किसी कारण से नहीं है, तो मेनली ये जो है वो मेनार्की के समय से ही शुरू हो जाता है। मेनार्की मतलब कि पहली बार जब महीना आना शुरू होता है, और उम्र के साथ साथ ये कम होता जाता है। अगर प्रेगनेंसी और डिलीवरी हुई तो यह पेन और भी कम हो जाता है। यह पेन जो है वो पीरियड शुरू होने के तुरंत पहले या उसके साथ शुरू होता है, और अगले 2 से 3 दिन में आराम भी मिल जाता है। कुछ कुछ महिलाओं में, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल की वजह से उल्टी जैसा होना, उल्टी होना, और सर में दर्द होना, घबराहट होना, यह सब सिम्टम भी देखे जा सकते हैं। जब हम इस दर्द में दर्द की दवाई लेते हैं तो यह दर्द में आराम मिल जाता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर यह दर्द किसी कारण से हो रहा है तो उसमें क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। इस प्रकार का दर्द जो होता है वह एज के किसी भी समय शुरू हो सकता है। यह दर्द जो है वो समय के साथ साथ इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, और किसी किसी महिला में इस दर्द किसी किसी महिला में ये कंप्लेन हो सकती है कि जब हस्बैंड के साथ में रहते हैं तो पेन होता है, लैटरिन करते समय पेन होता है, या यह पेन जो है वो महीने के पूरे समय बना हुआ है, पेट के निचले हिस्से में भारीपन भी लग सकता है, और यह पेन जो है वो पीरियड आने के लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। इस पेन में जब आप दर्द की दवाई लेंगी तो बहुत कम रिलीव होता है या नहीं भी होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर लिया कि जो पेन है वो नॉर्मल है या किसी कारण से है। फिर हम जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपकी जाँच करने के बाद अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं। अगर कोई कारण नहीं आता है तो उसमें आपको अगर दर्द ज़्यादा होता है तो दर्द की दवाई लेनी पड़ सकती है हर महीने, और अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट भी देना पड़ सकता है। अगर कोई कारण आता है जिसकी वजह से यह पेन हो रहा है, तो किस कारण से यह दर्द हो रहा है, और पेशेंट टू पेशेंट
मैनेजमेंट जो है, इलाज जो है वो डिफरेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना कि पेनफुल पीरियड यानी डिसमेनोरिया कितना कॉमन है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, और हम खुद से ये कैसे समझें कि हमारा जो दर्द है वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है या किसी बीमारी की वजह से आता है और अब हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो के लिए आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपको मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।